हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, जो बच्चे और जो बड़े पालक के नाम से ही दूर भागते हैं वो लोग पालक पनीर तो बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि ये सभी को पसंद आता है और यूजुअली हम इसे रेस्टोरेंट में ही जाके खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम इस रेसिपी को घर पे इस तरीके से बनाएंगे कि इसका कलर भी बरकरार रहे और इसकी ग्रेवी में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट मिले। तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन। मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए पालक, आधा बंच पालक लिया है मैंने, क्योंकि ये वजन पर मिलता नहीं, ये बंच में ही मिलता है, तो मैंने आधा बंच यूज किया है। इसको मैंने धो दिया है, डंडिया एक्स्ट्रा निकाल दी है, पानी उबल रहा है, पानी में मैं इसको उबालूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। उबले हुए पानी में डालेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, ये टिप ही है, जो बेकिंग सोडा अगर हम इसमें डालते हैं तो इसका कलर बहुत बरकरार रहता है, हरा हरा रहता है, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं होता है। एक पिंच ही डालना है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा डालने के बाद अच्छे से इसको स्टर करना है और इसको पका लेना है, इसको बॉयल आने देना है, तभी ये पालक बढ़िया से पकेगा। अब ऑलमोस्ट ये पक चुका है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में इसको डाल दें तुरंत, तभी ये बढ़िया कलर रहेगा। वरना अगर इसको गर्म पानी में ही छोड़ देंगे तो इसका कलर चेंज हो सकता है, ये ओवर कुक भी होगा। ठंडे पानी में डालने के बाद इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। और ये कितना बढ़िया पक चुका है आपको मैं एक डंडी तोड़कर दिखा देती हूँ, ये परफेक्ट कुक हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम प्यूरे बनाएंगे। अब पालक को मैं ठंडे पानी से निकालूंगी और इसको हल्का सा निचोड़ लूंगी, क्योंकि इसकी प्यूरे बनाते समय इसमें हमें पानी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सोडा डालने का एक फायदा ये भी होता है कि पालक परफेक्ट कुक भी कर सकते हैं हम, और इसका कलर भी बरकरार रहता है। अब प्यूरे हमारे रेडी हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हरी और बढ़िया फाइन प्यूरे बनके रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसकी ग्रेवी का मसाला हम तैयार करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन को गरम कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल, 3 टीस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल भी गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, 1/4 टीस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स मैंने डाले हैं इसमें, वो भी क्रैकल हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 3 ग्रीन चिलीज टुकड़ों में कटी हुई, यहाँ पे ग्रीन चिलीज अपने टेस्ट के अनुसार यूज करें, 1 इंच अदरक के टुकड़े और 1 बल्ब लहसुन, 1 मीडियम साइज का बल्ब मैंने लहसुन लिया है यहाँ पे, 1 मीडियम साइज का टोमेटो भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जिसको मैंने चॉप कर लिया है। सभी सामग्री मैंने पैन में डाल दी है, अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी, पहले तो मिक्स कर लें फिर इसको फ्राई करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक हम मसाले के हिसाब से ही डालने वाले हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद ये जल्दी पकेगा और भाप पर पकाएंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको ढककर रखूंगी, तो ढककर रखने के बाद ये जल्दी पक जाते हैं। आप देख सकते हैं नमक के कारण सारा मसाला जो है वो बहुत ही बढ़िया पक चुका है। यहाँ पे टमाटर भी हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ काजू, जो ग्रेवी में रिच टेस्ट आती है खाते वक्त, वो इसी कारण आती है, काजू के कारण ही ग्रेवी बढ़िया टेस्टी बनती है। क्योंकि हम इस ग्रेवी में मलाई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मलाई डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा ग्रेवी का, इसलिए हमने काजू डाले हैं। अब मैं इसमें टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, गरम मसाला डाले 1/2 टीस्पून,
और आधा टीस्पून मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको भी हमने फ्राई करना है मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए। अब काजू को पकाना है इसीलिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। अब पानी डाल के इस मसाले को हम फिर से पकाएंगे। ढक कर रखूंगी मैं इसको 5 मिनट के लिए। मैंने इसको ढक कर रखा है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। अब काजू हमारे इसमें बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट भी हुए हैं और ये मसाला रेडी हो चुका है क्योंकि पानी भी पूरा रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस मसाले को हम अब पीसने वाले हैं, इसका फाइन पेस्ट बनाने वाले हैं। अब मसाले को मैं उसी मिक्सी के जार में पीस रही हूँ जिसमें मैंने पालक का प्यूरे बनाया था। अब ये मसाला पीसते वक्त अगर पानी की जरूरत पड़े तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाले का फाइन पेस्ट बनाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फाइन पेस्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और इस पेस्ट में भी बढ़िया कलर आ चुका है क्योंकि हमने उसी मिक्सी के जार में पीसा था जिसमें हमने प्यूरे बनाया था पालक का। तब ये फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। मैंने पैन पहले से गरम करने रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन को गरम किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल 4 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला। अब इस मसाले में कुछ भी चीजें डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने इसमें परफेक्ट तीखा गरम मसाला सभी चीजें ऑलरेडी इसमें डाल दी है। तो अब इस मसाले को हमने अच्छे से पका लेना है क्योंकि काजू जैसे ही पकेंगे वो फूलने लगते हैं और उसकी बढ़िया ग्रेवी बनती है। मसाले को ऑयल छूटने तक पकाना है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। पानी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। अब इसी पानी में मसाले की ग्रेवी को हम फिर से पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना करे, इसका ऑयल सेपरेट ना हो तब तक इस मसाले को हमने पकाना है। और ये सारे प्रोसेस जो हम कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें। इसको मैं ढककर पकाऊंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होता। 5 मिनट का समय लग जाता है लेकिन ग्रेवी बहुत ही बढ़िया पकती है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी। चीनी यानी कि शुगर 1/2 टीस्पून डाली है मैंने। इससे क्या होगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा इस ग्रेवी को और चीनी के कारण जो ग्रेवी बनती है वो उसमें बहुत बढ़िया ग्लेज आ जाता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के पीसेस। जितना पनीर आपको डालना है उतना डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से पनीर डालें। पनीर हम पहले ग्रेवी में ही पकाएंगे क्योंकि इस ग्रेवी में सारे फ्लेवर है मसाले के, तो पनीर में भी उसके फ्लेवर आ जाने चाहिए। इसीलिए मैंने पहले पनीर डाला है क्योंकि पालक डालने के बाद इस ग्रेवी को हम ज़्यादा नहीं पका सकते वरना इसका कलर चेंज हो सकता है। तो ग्रेवी में ही मैंने पनीर को डाल दिया है और अच्छे से ग्रेवी से मैं इसको कोट कर रही हूँ ताकि पनीर के ऊपर इसका कलर भी आ जाए हल्का हल्का और ये पक जाए ग्रेवी में ही। 3 से 4 मिनट के लिए मैं ढककर पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी। बटर से इस ग्रेवी का टेस्ट और भी रिच हो जाएगा। बटर डालने के बाद हल्का सा मिक्स करें ताकि बटर मेल्ट हो जाए। इस ग्रेवी में हमने क्रीम का बिल्कुल यूज नहीं किया है। क्रीम डालेंगे तो कलर चेंज हो सकता है, इसीलिए हमने बटर का यूज किया है, काजू का यूज किया है और ये बहुत ही रिच ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पालक की प्यूरे जो हमने पहले ही बनाकर रखी थी और उसका भी कलर आप देख सकते हैं। इसमें कोई कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर इस तरीके से आप पालक पनीर बनाएंगे तो। अब इस पालक की प्यूरी को हम मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले तो। और पालक प्यूरे डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी पालक पका हुआ है, ग्रेवी भी हमारी
ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो बस हमें इन सब सामग्री को एक साथ अच्छे से मिक्स करना होता है। और बस 3 से 4 मिनट भी अगर इसको हम ढककर पकाएंगे तो ये ग्रेवी बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको ढककर पकाएंगे 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में देखिए हमारी पालक पनीर की ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये दिख रही है ना, बिल्कुल हरी चटकदार बढ़िया सब्जी। तो इस रेसिपी को फॉलो करके अगर पालक पनीर आप घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल सारे घर वाले खुश हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट में और इसको और थोड़ा सा गार्निश करेंगे ग्रेटेड पनीर के साथ, तभी तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लुक देगी। अब हम सजाएंगे थोड़े से टोमेटो फ्लावर्स और इसको आप खा सकते हैं नान पराठा रोटी और चावल के साथ। ये यम्मी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर तैयार है। तो इस रेसिपी को आप जरूर 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 ट्राई करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगली बार फिर से मिलूंगे एक बढ़िया से नए रेसिपी साथ। टिल देन बाय।